जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन करते हुए वर्ष 2005 में इसके नियमों में कुछ सुधार करते हुए बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पहले पैतृक संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही जन्मसिद्ध अधिकार होता था। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर समझे कि अगर मूल तौर पर देखें तो प्रॉपर्टी के दो टाइप होते हैं। पहला तो प्रॉपर्टी होती है एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जिसे अपन कह सकते हैं स्वार्जित संपत्ति, खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसे पूर्वजों से प्राप्त होती है प्रॉपर्टी, उसे कहा जाता है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक प्रॉपर्टी। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत तो उसमें ऐसा कहीं भी बेटियों का जिक्र नहीं था कि जिसपे बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार हो, सिर्फ और सिर्फ उसपे पुत्रों का अधिकार होता था। लेकिन इस पर सुधार करते हुए सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन किया गया, जिसमें बेटियों को भी जन्म से अधिकार दिया गया। बहरहाल आप तो ये सब कुछ जानते हैं कि 2005 के बाद पैतृक संपत्ति पे जितना बेटों का अधिकार होता है जन्म से, उतना ही बेटियों का अधिकार होता है। वर्ष 11 अगस्त 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में एक ऑर्डर दिया हुआ था, एक सुनवाई पे उस पर ऑर्डर दिया, जिसमें बेटियों के हक में दो चीजों को क्लैरिफाई किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार जब संशोधन करके 2005 में बनाया गया तो इसपे दो सवाल थे इस केस से रिलेटेड। पहला, क्या 2020 में पहले जिसकी डेथ हो गई फादर की, क्या उसमें पुत्रियों का अधिकार मिलेगा? दूसरा, क्या 2005 से पहले जिन पुत्रियों ने जन्म लिया है क्या उनका अधिकार मिलेगा? इन दो चीजों पर क्लैरिफिकेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस पे ऑर्डर किया हुआ था। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको इसी का पूरा क्लैरिफिकेशन बनाने वाला हूँ। हाय गाइस, मैं हूं चंद्रमान चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो पे मैं आपको यही पूरा क्लैरिफिकेशन बताऊंगा कि आखिर अगर 2005 से पहले किसी लड़की ने जन्म लिया तो क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसका उस पैतृक प्रॉपर्टी पे अधिकार होगा, या फिर अगर किसी फादर की डेथ 2005 से पहले हो जाती है तो क्या उसके पुत्रियों का उस प्रॉपर्टी पर, पैतृक प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, वो ये जानना जरूरी है कि क्या प्रॉपर्टी का टाइप किस प्रकार का है। मूलतः देखिए, प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। पहली प्रॉपर्टी वो होती है एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे आप खुद से परचेस करते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपको किसी से मिलती नहीं है, उस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ से ही परचेस करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी स्वार्जित संपत्ति। इसके विपरीत अगर बात करें तो जो प्रॉपर्टी आपको पूर्वजों से मिलती है लगातार तीन पीढ़ी तक बिना किसी डिवाइडेशन के, बिना किसी वसीयत के, इस प्रकार की प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सपोज करिए मेरे दादा को उनके पिता से वो प्रॉपर्टी मिली थी, फिर मेरे पिता को मेरे दादा से प्रॉपर्टी मिली और मेरे पिता को मुझे मेरे पिता से प्रॉपर्टी मिली, तो वो मेरे लिए एक पैतृक संपत्ति कहलाएगी, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। इस प्रकार की प्रॉपर्टी में 1956 जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इसमें बेटों का जन्म से अधिकार होता है। जैसे मैंने जन्म लिया तो मेरा इस प्रॉपर्टी पर, पैतृक प्रॉपर्टी पर जन्म से अधिकार है, लेकिन बेटियों का इसमें अधिकार नहीं था। वर्ष 2005 में जब संशोधन किया गया तब इसमें बेटियों का भी उतना ही हक दिया गया जितना बेटों का हक होता है। इसके बाद दूसरी बात करें तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने बिना किसी पैतृक प्रॉपर्टी से कमाई हुई संपत्ति से, पहला पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट इंक्लूडेड है, बिना पैतृक संपत्ति से कमाई हुई प्रॉपर्टी से अगर अपनी सेल्फ की इनकम से कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो आपकी स्वार्जित संपत्ति होती है। बिना आप पैतृक संपत्ति को बेचे हुए अगर कोई अपनी सेल्फ की प्रॉपर्टी बनाए तो वो आपकी पैतृक संपत्ति होती है, स्वार्जित संपत्ति होती है। बिना अगर आप पैतृक संपत्ति की कमाई खाए हुए खुद से प्रॉपर्टी बनाए तो वो आपकी स्वार्जित संपत्ति होती है। ऐसी संपत्ति में ना तो जन्म से बेटे का अधिकार होता है और ना ही बेटी का अधिकार होता है, ये प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होता है जिसने इस प्रॉपर्टी को बनाया हुआ है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा के केस पे ये दो चीजों का क्लैरिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर 11 अगस्त 2020 में दिया कि अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेट मायने नहीं रखती है कि कब उनकी मृत्यु हुई। दूसरी चीज ये मायने नहीं रखता कि पुत्री का जन्म 2005 से पहले हुआ या नहीं हुआ। दोनों ही केसेस में
पुत्री का उतना ही अधिकार है जितना पुत्रों का अधिकार है। अगर पुत्री का जन्म 2005 से पहले हुआ है तो भी वो अपनी पैतृक संपत्ति की मालिक है। अगर पिता की डेथ 2005 से पहले हो गई है तो भी पुत्री का उसकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार है। यानी कि डेट का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि अगर ये अधिनियम 2005 में बनाया गया, संशोधित करके अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया तो इस पे ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये इम्प्लीमेंट 2005 के बाद की संततियों पर होगा। ये सभी पे इम्प्लीमेंटेड है, डेट का इस पे कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पुत्रियों का जितना अधिकार अभी है संशोधन के बाद, उतना ही पहले जो जन्म ले चुकी हैं पुत्रियां उनका भी उतना ही अधिकार है। इस पे कोई डेट का इशू नहीं है। ऑर्डर की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। सो गाइस, आज का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आपको इन दो चीजों पर क्लैरिफिकेशन देना कि अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, संशोधन के अनुसार, अगर पुत्री का जन्म 2005 के पहले भी हुआ है तो भी वो उतनी ही पैतृक संपत्ति को धारण करने का अधिकार है, उस पर उसका उतना ही अधिकार है जितना पुत्रों का है, और अगर 2005 के बाद है तो उतना ही अधिकार है। इस पे डेट का कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आखिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के अनुसार किस प्रकार का राइट्स वुमेन्स को दिया गया, गर्ल्स को दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, और मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।